हमारे तो भाई से हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे। कल 5:30 बजे की 6:30 बजे की बात हुई है, वह आर्मी वाले आए थे, उन्होंने थोड़ा तावन दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ। SDRF वाले थे वो, हमारा लोकली बोल रहे हैं कि SDRF वाले आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है, हाथ में डंडा लिया था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे और किनारे पे देखा। जिला इंतजामिया का फर्ज था क्रेन यहाँ पे पहुंचाना, यहाँ पे करोड़ों की लागत में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्रशर्स हैं यहाँ पे, क्या एक क्रेन यहाँ पे इनके इनको मुहैया नहीं कर सकते थे? जो क्रेन ये बुटोत से ला रहे हैं, जम्मू से ला रहे हैं, शर्म की बात है। और कल से ये हादसा हुआ है तो अभी तक हमें डेड बॉडी तक नहीं मिली। यहाँ का जो DC साहब है, DC साहब उनको उनका फर्ज बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाज़रीन किराम, आज दूसरा दिन उस रेस्क्यू को लेके है, जिस रेस्क्यू की खबर, जिस हादसे की खबर हमने आप तक कल पहुंचाई थी। जी हाँ नाज़रीन, ये हादसा जो है जिला डोडा की ठाठरी तक गुंदो कौमी शाहरा पर हुई थी, नेशनल हाईवे पर हुई थी, जो हिस्सा जो है किश्तवाड़ जिला के अंदर आता है। बहरहाल हमने कल आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ और हमने अपने सोर्सेज के थ्रू पता करवाया था, जिस ट्रक के अंदर दो अफराद सवार थे, एक ड्राइवर था, एक उनके साथी दूसरा था, और दोनों जो है उस हादसे का शिकार हुए हैं। बहरहाल अभी तक ये पता नहीं लगाया गया है कि वो जो है जो ट्रक ड्राइवर है उसके साथ साथ जो दूसरा शख्स था, उनकी लाशें, उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, वो मिसिंग है। जो दो शख्स इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिवार यहाँ पर आए हैं, उनके रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनको यहाँ की इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इमदाद मिली है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद तारिक रजा है। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस हादसे के हवाले से? हादसा आप देखते हैं जनाब, कितना खतरनाक हादसा हुआ है, और कल से ये हादसा हुआ है तो अभी तक हमें डेड बॉडी तक नहीं मिली। यहाँ का जो DC साहब है, DC साहब उनको उनका फ़र्ज बनता है, और टीम भेजने चाहिए उनको अभी तक ना। अगर कल टीम आती, देखते जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई है उस वक्त, तो डेड बॉडी मिल सकती थी, मगर कल से आज तक ना, अभी जो आई है रेस्क्यू टीम आई है, देख रहे हैं, मगर कल की बात है और 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इंतज़ामिया को चाहिए, करना चाहिए था जो ये हादसा हुआ है तो, मगर हमें कोई सहारा नहीं मिला अभी तक। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर हुसैन है। हमारी सर यही गुजारिश है, मेरे दोनों भतीजे हैं, एक ही घर के बच्चे हैं दोनों, हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी ढूंढे जाएं और उनको लेके हम वापस घर में क्या जाएंगे। घर में हमारे 5-10 हज़ार बंदा इकट्ठा हुआ और उनकी राह देख रहे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लड़के के, कोई इधर कल से हम आए हुए हैं, किसी ने हमारी आज तक मदद नहीं की, वो भी कल आप लोगों ने चढ़ाया और हमको पता चला, नहीं तो उसके बाद सर हमारा कोई इधर वो नहीं हो रहा है। प्रशासन को बोलना चाहिए कि इनके पास सब तारू होते हैं, इनके पास हर बंदोबस्त होता है, मगर इन्होंने कोई वो नहीं किया। उसके लिए हमारी यही गुजारिश है सर कि हमारे बच्चे मिल जाए, हमारे इधर के जितने भी है ये, इनकी इनके का यही अपील है हमारी कि हमारे बच्चे मिल जाए, हम उनको चलो जिंदे तो नहीं, उनकी लाशें ले गई घर में पहुंची, क्या दिखाएंगे घर वालों को जाके, उसके बच्चों को क्या दिखाएंगे, माँ बाप को क्या दिखाएंगे, एक ही घर के बच्चे हैं दोनों, छोटे बच्चे हैं, एक ही उम्र कोई यही है 27-28 साल, एक 19 साल का। कल से गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, अभी तक दरिया में पड़ी हुई गाड़ी है ना, कल DC साहब को समझना चाहिए इस चीज को, क्रेन होती, अब हम क्रेन जो हम बटोर से मंगवाई क्रेन हमने सिविल ने, पर कम से कम इनका फर्ज बनता है, ये इनके एरिया में है, कम से कम उनको आना चाहिए, टीम भेजनी चाहिए, गाड़ी चढ़ानी चाहिए, अभी तक गाड़ी देखो दरिया में पड़ी, आप कैमरामैन दिखा सकते हैं, गाड़ी अभी तक नीचे पड़ी हुई है, तो अभी तक कुछ हमें इंतजाम नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, हम अभी तक परेशान है सुबह से, हम इस एरिया सुबह से यहाँ पे इंतजामिया का कोई बंदा आपके पास? अभी जो टीम आई है सुबह, पुलिस वाले आए हमारे साथ, हम खुद भी देख रहे हैं सुबह से, हम नीचे से यहाँ तक देख रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, मगर ये काम कल करना चाहिए थे उनको, तो अभी तक जो है अंदर कोई नहीं आता पानी ये देखने के लिए, क्यों जैसे अंदर है सब डर रहे हैं, साइडो में घूम रहे हैं, साइडो से घूमने से तो मिलेंगे, हम भी देख रहे हैं जगह नीचे, जो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह वो नीचे मिले, हमारे लड़के भी गए थे अंदर। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम यही चाहते हैं, हमारे तो भाई थे, हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे। कल 5:30 बजे की 6:30 बजे की बात हुई है, वहाँ आर्मी वाले आए थे, उन्होंने थोड़ा तावन दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ। SDRF वाले थे वो, हमारा लोकली बोल रहे हैं कि SDRF वाले आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है,
हाथ में डंडा लिया था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे और किनारे पे देखा बीच में कोई नहीं गया, लोकल ही बोल रहे हैं। हम तो बाद में आए, हम तो 11 बजे करीब पहुंचे यहाँ पे, लेकिन लोकल ही बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आपकी क्या दरख्वास्त है? हम यही दरख्वास्त करें कि हमारी हेल्प की जाए एडमिशन से, यही है जी। क्या कहना चाहिए सर? हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें बच्चों की कम से कम ब्रेड बाटिया मिल जाए, हम लेके घर में जाए, घर में छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, हम क्या बताए कहाँ गए हुए थे। इस पहाड़ी इलाके में हमें वाकफी भी नहीं है और यार यहाँ की पूरी नॉलेज भी नहीं, हम बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी यहाँ प्लीज मदद की जाए, तो हमें किसी से किसी का कोई सहारा मिले था ताकि हम जाए वापस घर को निकले। ऐसे ऐसा अगर किसी अमीर बंदे का होता तो अभी तक कितनी टीम होती यहाँ? ये गरीब के बच्चे हैं, कोई अभी तक नहीं है। इस हिसाब से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे साथ मदद करें, हमारे साथ टीम भेजें, जहां जहां आगे जो डोडा है, चनाब है, उस तरफ जो है टीम लगाएं, डेड बॉडी अगर मिल जाए हमें, सबसे बड़ी बात यह है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आप इन लोगों की जबानी सुन रहे हैं और मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे शर्म आ रही है और खास करके जिला किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन पे। कल से यहाँ हादसा हुआ है और लगभग 8 बजे के करीब हम भी यहाँ पहुंचे थे स्पॉट पे और तब से यहाँ पर रेस्क्यू टीमें कोई भी नहीं पहुंची। लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच जो SDRF यहाँ पे आती है, लेकिन मैं यहाँ से इंडियन आर्मी को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से वो आए अपना सामान लेके और पानी में कूद कर उन्होंने देखने की कोशिश की, ट्रक को साइड किया, ये उनके लिए बहुत बड़ी मुबारकबादी की बात है। लेकिन जो काम जिला इंतजामिया को करना चाहिए था, और यहाँ से सवाल हमेशा खड़ा होता कि जिला इंतजामिया का फर्ज था क्रेन यहाँ पे पहुंचाना, यहाँ पे करोड़ों की लागत में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्रेशर्स हैं यहाँ पे, क्या एक क्रेन यहाँ पे इनको मुहैया नहीं कर सकते थे? जो क्रेन ये बुटोत से ला रहे हैं, जम्मू से ला रहे हैं, शर्म की बात है जिला इंतजामिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्या ये ऐसी डेवलपमेंट है? क्या कल से ट्रक जो है पानी के अंदर है, अभी तक उस ट्रक को खड़ा नहीं कर सके? क्या ये कौन सी जाने बचा सकते हैं? यहाँ से सवाल पैदा होता है और हम यहाँ से सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि इंतजामिया को बिठाया होता है लोगों की मदद के लिए, लोगों की राहत के लिए, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए। यहाँ कल से पुलिस बिचारी है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, पुलिस डेड बॉडीज को ढूंढे, पुलिस केसों को लेके काम करे, कौन कितने काम पुलिस करेगी? यहाँ पे इंतजामिया का कल एक तहसीलदार जो है द्राबशाला हमें देखने को मिला था और वो बेचारा भी ऊपर सड़क पर बैठा हुआ था बगैर मशीनरी के, देख रहा था कि कैसे क्या होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है जिला किश्तवाड़ की इंतजामिया के लिए कि कम से कम यहाँ आके यहाँ देखें और देखने के बाद कुछ ना कुछ करें और इन लोगों को आश्वासन दे यहाँ पे आके कि इनकी जो डेड बॉडीज है उनको ढूंढने की कोशिश करे। दरिया के किनारे किनारे मैं चलूंगा कैमरा घुमा के पूरे एंड टू एंड, मैं तो असर पहुंच के आऊंगा। दरिया के किनारे डेड बॉडीज तो नहीं मिलती है, उसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए, जो एक्सपर्ट पानी में जाए, जिनको सलाहियत हो देखने की, और उसके बाद कुछ ना कुछ पता चले। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रक जो है कल से एक ही तरफ पड़ा हुआ है, ट्रक का आधा हिस्सा पानी से बाहर निकाला है, बाकी हिस्सा जो पानी में है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं शक है कि क्या पता इस ट्रक के साथ फंसे होंगे पीछे साइड, यहाँ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है इंतजामिया के लिए, इंतजामिया को यहाँ आना चाहिए और इस चीज को देखना चाहिए और देख कर जो है अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको खत्म करना चाहिए। इंसान की डेड बॉडी, इंसान की मदद करनी चाहिए, और जब हम मदद करेंगे एक दूसरे की तब ही डेवलपमेंट होगी, बातों से सोशल मीडिया से डेवलपमेंट नहीं होगी। जमीन पे उतरना होगा, जमीन पे आके मसाइल को हल करना होगा, मसाइल का सोल्यूशन निकालना होगा। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। राकिब सर्स एक्सीलेंस परिपुरा श्रीनगर ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग फॉर CBSE 11th, 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। फॉर मोर इन्फो कॉल ऑन 9622888333।